हेलो गाइस, बैक टू व्लॉग। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये पार्ट टू है। अब हम रामपुर के अंदर हैं, तो रामपुर के अंदर हम रेलवे स्टेशन दिखाते हैं नवाबों का। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम रेलवे स्टेशन में पहुँच गए। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं अभी रेलवे स्टेशन में, तो आप नवाबों के शहर में हूँ अभी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसमें नवाबों की एक पर्सनल ट्रेन हुआ करती थी बहुत पहले साल। ये जो मेरे पीछे वो उसकी पर्सनल ट्रेन ही है। मैं भी आपको दिखाती हूँ जितनी ट्रेनें हैं। ये 2 साल पहले इसमें ठीक था, बट इसका अभी प्रेपरेशन नहीं हुई है, ना ही इसको क्लीन अप किया। इसकी क्लीन अप करनी चाहिए थी। अभी यहाँ पे पार्किंग एरिया बन गया, जिसकी आप देख रहे हैं कि बाइक वगैरह पार्क हुई है। और रेलवे स्टेशन जो हमारे रेलवे स्टेशन का वो है, वो आगे की ओर है। इसकी आपको पता ही है कि रामपुर है, तो नवाबों का शहर है। जो जिस ट्रेन की खासियत ये है कि ये हामिद नवाब जो थे, इन्होंने अपनी एक पर्सनल ट्रेन खुद बनवाई थी। ये ट्रेन इन्होंने बनवाई थी, जैसे कि पीछे आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी ट्रेन है। इसमें ये खुद और अपनी फैमिली के साथ ही इस पर्सनल ट्रेन में जाते थे, जो कि जो ट्रेन होती है उन बुग्गियों से अपनी बुग्गी अटैच करके ये अपनी ट्रेन बना के इसमें जाते थे। इसमें सब कुछ है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, अगर थोड़ा बहुत क्लियर होगा। बट ये बहुत सालों पुराना है, तो शायद से क्लियरली ना दिखे। तो गाइस, इस ट्रेन के अंदर तो कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। तो रामपुर का जो नवा नवाब थे, हामिद नवाब, तो उन्होंने ये ट्रेन बनवाई थी। ये ट्रेन खरीदी थी खुद के पैसों पे, खुद का रेलवे स्टेशन बनाया था। वो क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, वो मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए बनाया था, जब जब इनको लखनऊ दिल्ली जाना होता था, वो अपनी पर्सनल ट्रेन अपनी फैमिली को लेके इस ट्रेन पर जाते थे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें, तो गाइस आपको दिख ही जाएगी इसमें प्राइवेट लिखा है। तो ये इनकी पर्सनल खुद की ट्रेन थी, तभी इसमें प्राइवेट थी। हामिद नवाब की खासियत जो इन्होंने ट्रेन बनाई थी, और आगे आगे बने रही है मेरे साथ। तो गाइस, इसके फ्रंट में जो गवर्नमेंट वाले रेलवे ट्रेन चलती है, वो आगे ले चलती है। और ये पीछे है जो भी रेलवे स्टेशन वाला ट्रेन है, जो आगे है यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रेन है। और ये इनकी पर्सनल ट्रेन थी जो दिख रही है। इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। यहाँ से अपनी बुग्गी अटैच कर देते हैं। तो गाइज, बैक टू व्लॉग। आपको कैसी लगी रामपुर सिटी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, A1 लगा। जैसे मानो छोटा आगरा छोटा लखनऊ मिल गया। तो नवाबों का शहर है, तो नवाबों ने तो बहुत अच्छा सा बना रखा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप भी आइएगा यहाँ पर विज़िट करने के लिए, बहुत प्यारी सिटी है। शेयर करेंगे अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी ग्रुप्स होंगे, मेरी वीडियो शेयर करिएगा। और आगे आगे मेरे से मिले रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मुझे नेक्स्ट प्लेस में कहाँ जाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, जिससे कि मुझे मेरा आइडिया मिलते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसी बहाने से मुझे घूमने को भी मिल जाएगा। बाय।